तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट होता है ना उसका कितना टाइप्स होता है। ठीक है सर, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लियर है। देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग किसको कहते हैं, हर एक चीज़ हमने देख लिया है। आज देखेंगे एनवायरनमेंट का प्रकार, यानी कि एनवायरनमेंट कितने कितने टाइप्स के होते हैं। अमूमन तौर पे एनवायरनमेंट दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन सर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आइए समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये है सर, जो इंटरनल होता है ना सर, पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। फटाफट से बोलिए मैं सर, इन्वायरमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, फर्स्ट इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ना और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, वो दोनों बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से पूरा डिफरेंस है सर। इंटरनल इन्वायरमेंट और साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो हम लोग समझते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसको हम लोग एक एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट को एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक बार फिर से बता देते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है। या दोस्तों, एंटरप्रेन्योर कंट्रोल आसानी से कर सकता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा कंट्रोल, अपोजिट कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नॉट कंट्रोल। लॉजिक देंगे सर, रटवाएंगे नहीं, लॉजिक देंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट को सर कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा? एंटरप्रेन्योर द्वारा। आप लोग बोलिए सर जी, बोल भी नहीं करते। एंटरप्रेन्योर किसको कंट्रोल कर सकता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को। एंटरप्रेन्योर किसको कंट्रोल नहीं कर सकता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। आर यू क्लियर? तो सर दो टाइप उन्होंने देखा, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको कंट्रोल कर दिया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर ऐसा क्या चीज़ है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और एक ऐसा क्या चीज़ है जो सर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, आइए समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले लैंड समझते सर, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है सर, ये जो है ना, ये जो है ना, ये रंग का और ये रंग का, ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। क्लियर है सर? जो बैगनी रंग का है वो एक्सटर्नल है और जो रेड रंग का अंदर में वो इंटरनल है। ये क्या है सर? आई है इंटरनल और ये क्या है? ई है एक्सटर्नल। ठीक है, ये तो हम लोग उसको कह सकते हैं ये बाहरी है। ठीक है, बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण। अब आप ही बताइए कि घर में आप अपने सदस्यों को कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन बाहर वाले को कंट्रोल कर सकते हो? घर के अंदर जो सदस्य हैं
उसको कंट्रोल कर दिया जा सकता है लेकिन बाहर वाले सदस्यों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर अपने अंदर वाले सदस्यों को, अपने अंदर में जो भी है, जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, जो भी थिंग्स है, जो भी पर्सन है, उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाहर में जो कुछ हो रहा है उसको एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकता है। सर, आर यू क्लियर? जैसे लैंड, ज़मीन है सर, एंटरप्रेन्योर खुद का है, एंटरप्रेन्योर के पर डिपेंड करता है सर कि वो ज़मीन को कितना बढ़ाए, कितना घटाए, क्या करे ना करे, एंटरप्रेन्योर के अंदर है। प्रोडक्शन, ये एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है कि सर कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, क्वालिटी कितनी, क्वांटिटी कितनी, फुली डिपेंड अपॉन एंटरप्रेन्योर। तो सर ये इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया ना। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा। ये एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है कि सर कितना पैसा लगाए, कितना पैसा ना लगाए, कितना ज़्यादा कहाँ क्या लगाए, कितना पैसा कहाँ जगह लगाए, सारा का सारा डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पर। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीज़ एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करती है, जो भी चीज़ एंटरप्रेन्योर कर सकता है, सक्षम है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? इंटरनल इन्वायरमेंट, एक ऐसा एन्वायरमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है, एक ऐसा एन्वायरमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है, डेट इज कॉल्ड इंटरनल एन्वायरमेंट। लेबर, मजदूर है, वर्कर है, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर खुद को। लेबर कितना रखना है, कितना चार्ज करना है, सब सब एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग चाहिए, ये सब एंटरप्रेन्योर डिपेंड करता है, कम छोटा बड़ा, समझ रहे हो सर? वेन्यू, बात बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कौन सी संस्था रखनी है, कितने रखनी है, कितना मेंबर, कितना पैसा, सब कुछ डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे। ऑल द थिंग्स विच इज कैन बी कंट्रोल बाय एंटरप्रेन्योर, ऑल थिंग्स, ऑल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। सर ये सब भी तो एनवायरनमेंट है ना, ये जितने भी चीज़ मैं आपको बताया ये क्या है? एनवायरनमेंट। खुला सर, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग कंडीशन, जो भी सराउंडिंग थिंग्स, जो भी चीज़ आसपास है, आसपास है सर। एंटरप्रेन्योर के आसपास क्या है? लैंड है, प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, बिल्डिंग है, वेन्यू, क्या है आसपास? आर यू क्लियर? तो ये सब एनवायरनमेंट है और ये सब एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जा सकता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। डिफिनेशन दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, डिफिनेशन दिखाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, नोट्स पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। मिलेगा आपको फ्री PDFs फॉर्मेट में, नोट्स, VVI MCQs, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूज टेस्ट, साथ ही साथ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिहार बोर्ड। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, जो कि कभी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक दोज एनवायरनमेंट विच कांट बी कंट्रोल बाय एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया सकता। सर ये सब भी तो एनवायरनमेंट है ना, ये सब भी तो एनवायरनमेंट है, लेकिन सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कैसे, आइए बताते हैं। पहला इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, लोगों का इनकम कैसा है, कंट्रोल कर सकता है, आप ही बताइए। इनकम हो गया, इनकम हो गया, इनकम टैक्स बढ़ता है, घटता है, ये सब इकोनॉमिक में आ जाता है ना। इकोनॉमिक में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, पर कैपिटा इनकम, साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज, ये सब आते हैं, और भी पब्लिक का इनकम, सारा चीज़ जितना भी रिलेटेड इकोनॉमिक के हर एक चीज़ आता है। तो क्या आप ही बताइए कि एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकता है? तो दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इतना क्लियर है सर? दूसरा है सोशल, सोशल मतलब होता है समाज, समाज में जितने भी आदमी होते हैं, जितने भी पब्लिक होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, सबके सब हमारे सोशल के अंदर आते हैं। सोशल में दोस्तों कभी भी आप बताइए एंटरप्रेन्योर समाज को कभी कंट्रोल में कर सकता है? कि एंटरप्रेन्योर बोलेगा कि ये सामान खरीदूँ, ये सामान खरीदूँ, तो समाज वही खरीदेगा,
अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, समाज को खरीदेगा, कस्टमर को खरीदेगा। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं क्या, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है एंटरप्रेन्योर। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है, ये जितने भी सर क्या है एग्जाम्पल है ना, ये जितने भी क्या है एग्जाम्पल है, ये सब लैंड प्रोडक्शन कैपिटल लेवल, ये इंटरनल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल है, और इकोनॉमिकल सोशल ये सब क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल है। सोशल को भी सर नहीं कर सकते हैं, सोशल में कौन सा क्या लेगा, उसका इनकम का डिमांड, उसके अनुसार हम लोग को खुद बदलना पड़ता है ना। एंटरप्रेन्योर को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिजायर, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर विलिंगनेस खुद को बदलना पड़ता है ना। ये नहीं बोलेगा ना कि मैं बना रहा हूँ वही खरीदो, तो कहीं कहीं ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सोशल को एंटरप्रेन्योर। तो कहीं कहीं सोशल क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है सर, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक। अब आप ही बताइए, पॉलिटिकल में आए दिन बदलाव होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो अलग अलग ठीक है पीएम बैठते हैं डेमोक्रेसी कंट्री में, तो वो इनकम टैक्स बढ़ा दे, पॉलिसी को बदल दे, चेंज कर दे पॉलिसी को, रूल्स को, रेगुलेशन को, लॉ को बना दे, कंट्रोल कर सकते हो क्या सर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल, वही बात है जो लीगल है उसको आप, वो सब लॉ है वो सब हम नहीं बदल सकते सर, ये कानून को बदलना नहीं जा सकता है, एंड दैट इज इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है टेक्निकल सर, टेक्निकल जो बदलाव होता है रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से स्मार्ट टेलीविजन LCD LED, तो ये सब जितने भी चीज़ें सर इसको बदला नहीं जा सकता है, बल्कि एंटरप्रेन्योर खुद बदलती है अपने आप को, अडॉप्ट हिमसेल्फ, समझ रहे हो सर, हर एक चीज़ रिलेटेड है ना दूसरे से, अडॉप्ट हिमसेल्फ। कंपटीशन, कंपटीशन को कभी कंट्रोल कर सकते हैं क्या, आपके जैसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है उसको मार्केट भगा दोगे, ढलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, खुद में बदलाव लाना पड़ता है। कंपटीशन को कभी भी कन्वर्ट, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है एंटरप्रेन्योर। हाँ उसमें कुछ चेंज ला सकता है, खुद को बदल सकता है, उसको नहीं बदल सकता है, तो कंट्रोल कहीं ना कहीं नहीं कर सकता। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्लिनिटल। क्लिनिटल क्या होता है सर, क्लिनिटल वही पैटर्न वगैरह होता है, पैटेंट होता है, ये भी एक तरह से क्या है सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए डिफिनेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व दोज फैक्टर विच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, एग्जांपल लैंड प्रोडक्शन कैपिटल लेबर बिल्डिंग मैन्यूअल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या है, दीज आर द फैक्टर ऑन विच द एंटरप्रेन्योर हैज नो कंट्रोल, इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल टेक्निकल लीगल क्लिनिटल पैटर्न शॉर्टेज मार्केट ETC, ये सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। आज की वीडियो में देखा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी टाइप होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी का टाइप होता है, दो प्रकार के होते हैं, वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर वाइज देखिएगा, सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तब जाकर आप समझोगे। थैंक यू, टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी हर एक चैप्टर का पढ़ाई हो रहा है, BST का पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर हर एक लेक्चर आप देख सकते हैं, सारा प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा चैनल का, ठीक है। उसमें हर एक वीडियो आपको बना हुआ है, साथ ही साथ अकाउंट्स बिजनेस स्टडी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियो मिला हुआ है, जाकर देख सकते हो। थैंक यू।